हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल क्लिक एंड वॉच में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है अपने एम्प्लॉयज़ पे। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उन पे कौन कौन सी यातनाएं होती है वर्क प्लेस पे, तो उसके ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो इसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा सा बकचोदी भी है। दोस्तों, हम सब लोगों ने हमेशा देखा होगा ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं होनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी के ऊपर ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है किसी एम्प्लॉय के साथ और किसी के साथ बुरा किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ उजागर करना चाहता हूँ मैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ। दोस्तों, ऑफिस में दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक होते हैं कि जो साधारण एम्प्लॉय होते हैं और दूसरे होते हैं जो चाटू टाइप होते हैं। तो जो चाटू टाइप एम्प्लॉय है उन पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा इस वीडियो में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो कभी कि जो बॉस है, बॉस पूछता है किसी चाटू एम्प्लॉय से, ऐसे दिखाता है भाई ये चीज़ ये ऐसी है, तो चाटू एम्प्लॉय बोलते हैं हाँ जी हाँ वैसी ही है। तो जैसे इस आप देख रहे हैं कि बॉस बोल रहे हैं दिस इज़ ब्लैक, बट एक्चुअली है वो वाइट। तो चाटू एम्प्लॉय बोलते हैं हाँ जी ये ब्लैक ही है। जो नॉर्मल एम्प्लॉय होगा वो बोलेगा नहीं जी आप गलत बोल रहे हो, ये तो वाइट है, आप ब्लैक मुझे बोलने को बोल रहे हो। तो उस सिचुएशन में उसको बोला जाता है भाई तुम काम करने के लायक नहीं हो, तुम रिज़ाइन दे दो, छोड़ के चले जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। और एक बात हमेशा मैंने देखी है कि जो बॉस है वो हमेशा चाहता है कि एम्प्लॉय मेरे झुक के रहे, बट ये जो चाटू एम्प्लॉय है वो झुकने का मतलब कुछ और ही समझ जाते हैं। और जबकि उस तरह से झुकने से जब नॉर्मल एम्प्लॉय मना कर देता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसका फिर यही होता है कि बॉस साहब मैं झुकूंगा नहीं, नौकरी छोड़ दूंगा बट झुकूंगा नहीं, ये सन्नीपाजी की ज़बान है। दोस्तों, बहुत बार हमने ये भी देखा हुआ है कि जो चाटू एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सुबह से शाम तक बॉस के साथ में उसकी चाटते रहते हैं। तो उनको जब काम होता है, कुछ कहीं जाना होता है, कुछ होता है, तो वो पहले से ही वो अपनी फील्डिंग लगा लेते हैं बॉस के साथ और बॉस उनको कुछ बोलता नहीं है। हाँ जी मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो बहनचोद उसको जाने को देते हैं। बट जब अब नॉर्मल एम्प्लॉय पूछेगा नहीं यार तू बहाने मार रहा है, नहीं यार तू कहीं नहीं जा रहा है, मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा, मेरे को ये दिखा, मेरे को वो दिखा, तो ये सब चलता रहता है। दोस्तों, एक डायलॉग आपने काफ़ी बार सुना होगा जो हमारे बॉसेस बोलते हैं भाई तू मुझे सिखाएगा, तू अपने बाप को मत सिखा। नॉर्मली जब मीटिंग वगैरह कुछ भी होती है तो हमेशा बात की जाती है कंपनी के वैल्यूज़ की, कंपनी के प्रिंसिपल्स की, कंपनी के विज़न की, मतलब भाड़ में गया उनका विज़न। जब हमें चेक मिलती है, सैलरी चेक मिलती है, पे मिलती है, तब उनका विज़न कहीं दिखता नहीं है, तब उनके कमिटमेंट दिखते नहीं हैं। तो ये सिर्फ उनका काम निकलवाने के लिए हमसे कमिटमेंट करते हैं कंपनी का विज़न, और जब हमारे सैलरी और पर्क्स की बात करते हैं तब उनके मुंह पे ताला लग जाता है। दोस्तों, और एक बात आपने पक्का नोटिस की होगी ऑफिस में बहुत सारे ऐसे बंदे होते होंगे बहनचोद जो कुछ भी काम नहीं करते, और कोई बंदे हो जो बहुत काम करते हैं। जो बंदे काम नहीं कर रहे होते वो सब चाटू होते हैं, बस वो अपनी नौकरी बचा रहे होते हैं चाट चाट के। और जो दूसरे वाले होते हैं वो सुबह से शाम बेचारा काम कर रहे होते हैं, और देखा होगा जो काम कर रहे हैं बहनचोद उन्हीं को और काम दिया जाता है, और काम दिया जाता है, और काम दिया जाता है, बाकी बहनचोद वेले बैठे रहते हैं साले, वो बस सुबह सियाँ मार रहे होते हैं, बस पटाखे उंगलियों के निकाल रहे होते हैं बहनचोद। जो मैंने खुद पीड़ा देखी है अपने जॉब के टाइम में कि दिन भर बहनचोद कुछ काम नहीं देते हैं, बस जाने का टाइम आ गया तो 5 बजे बस बॉस काम लेके खड़ा हो जाता है बहनचोद। साला जो चाटू एम्प्लॉय होते हैं वो आप देखोगे कि वो अपने टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे टी ब्रेक लेंगे, सुबह आएंगे जल्दी बहन जो जाएंगे चौकीदार की तरह लेट, बॉस के साथ साथ उसको छोड़ने जाएंगे उसके घर तक। और ऐसे लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होती, जैसे उनको कुछ भी ब्रेक वेक में कोई भी दिक्कत नहीं होती। बट जो काम करने वाले एम्प्लॉयज उनको खाना खाने भी नहीं दिया जाता, साला बोलते हैं कि पूरा काम कंप्लीट करो तब खाना खाने को मिलेगा, बहन चो बंधुआ मजदूर बना के रख देते हैं। चाटू एम्प्लॉय का बस चले तो वो साला सुबह सुबह आके मॉर्निंग की मीटिंग में गोद में बैठ जाए बॉस के,
और उसको चाट चाट के दिन भर बोलता रहेगा, बॉस आप सही लग रहे हो, बॉस आप सही काम कर रहे हो, बॉस आपका ये अच्छा है, बॉस आपका वो। भाई शादी कर ले उसके साथ, फैंचो। बहुत बार तो बंदे जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं उनके सपने में भी बॉस आ जाते हैं, वैन चो ये कर वो कर वो कर, और वो रात को बड़बड़ाते रहते हैं, वैन चो जैसे क्लाइंट के नाम बड़बड़ाते रहते हैं, हाँ जी हाँ जी इतना जी। मेल भेज दे यार, मेल भेज दे, सोने में बोलते रहते हैं। फिर उनकी बीवियाँ बोलती है, भाई रात को तो मेरे साथ रहा करो, रात में भी ऑफिस। और मैंने काफ़ी बार देखा है यार, लोग जो बंदे जैसे सेल्स में होते हैं या फील्ड में होते हैं तो उनको घनचोद बॉस बोलते रहते हैं, लोकेशन भेजो लोकेशन, लोकेशन तो अपने पिछवाड़े में डालनी होती है तुम्हें साला, घनचोद बंदा काम करके दे रहा है तुम्हें, और क्या चाहिए, लोकेशन भेजो, GPS लगा दो उसके, फिट कर दो उसके बॉडी में। पर लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा यार कि एक्चुअली जॉब कोई भी बुरी नहीं होती है, बट बॉसेस बुरे होते हैं और वो ऐसा माहौल ऐसा कर देते हैं कि वो जॉब फिर अच्छी नहीं लगती, फिर दिमाग का सरदर्द बन जाती है, तो इसके लिए बंदे रिज़ाइन पा देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मेरा किसी भी एम्प्लॉयर या किसी भी एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ कुछ गलत बोलने का, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा मैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं जाते, फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।